अस्सलामुअलैकुम। सोशल यूज़ के बारे में मैं आपको बता दूं, facebook.com एक बहुत बड़ा सोशल नेटवर्क है, twitter.com बहुत बड़ा सोशल नेटवर्क है, ठीक है। इस पर जाकर आप अपने वेबसाइट का वेब पेज बनाओगे, फिर जो भी कंटेंट्स आप रखोगे उसको आप लिंक कराओगे facebook.com से, और जो भी कंटेंट्स आप रखोगे वो कंटेंट्स आप पब्लिश करोगे अपने किस पर, twitter.com पर। बहुत सारे प्लगइन्स आते हैं, बहुत सारे जो है ना सॉफ्टवेयर्स आते हैं, वो आप जो है ना ऐड कर सकते हो। जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि ये प्लगइन SEO के बारे में मैंने आपको बताया था। यहाँ पर जाकर आप लिखोगे क्या कहते हैं कि सोशल शेयर आप लिखोगे तो वहाँ पर एक प्लगइन आ जाएगा, उसको भी आप इंस्टॉल कर लो। नो फॉलो डू फॉलो का वो भी लिख लो, सही है, क्योंकि आपको अभी बैक लिंक्स जनरेट करनी होगी, ठीक है। एनीवे छोड़ दो इसको, बैक लिंक्स आपकी मिलेंगी कहाँ से, फेसबुक से मिलेंगी, ट्विटर से मिलेंगी, बहुत ज़्यादा सोशल नेटवर्क्स होते हैं। ये मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है, मेरे पास एक फ़ाइल थी जो मैंने मैं अपने जीमेल में रखी हुई है मैंने वो फ़ाइल, तो अगर आप मुझे रिक्वेस्ट करेंगे तो वो फ़ाइल मैं आपको मेल कर सकता हूँ। उसमें कंप्लीट सोशल नेटवर्क के वेबसाइट्स हैं, फोरम्स की वेबसाइट्स हैं, कमेंट्स डू फॉलो कमेंट्स की वेबसाइट्स हैं। डू फॉलो लिंक का क्या फ़ायदा होता है, प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था। डू फॉलो लिंक का ये मतलब होता है कि आप अगर वो बैक लिंक क्रिएट करोगे तो उससे आपकी वेबसाइट की मोबिलेबिलिटी बढ़ेगी, यूजबिलिटी बढ़ेगी, विजिबिलिटी बढ़ेगी और विजिटर्स बहुत ज़्यादा आएंगे, ठीक है। तो डू फॉलो बैक लिंक्स जितनी ज़्यादा हो सके आप बना सकते हो, फ्री में भी ये बहुत सारे जनरेटर्स होते हैं, डू फॉलो बैक लिंक्स जनरेटर्स आप उन पर जाकर जो है ना बैक लिंक्स जनरेट करें अपनी वेबसाइट के बारे में, आपकी वेबसाइट बहुत ज़्यादा रैंक करेगी अगर जितनी ज़्यादा लिंक्स होंगे तो, ठीक है। फेसबुक पर आप लिंक्स बनाते जाओ, जो भी आप पब्लिश करते जाओ, पोस्ट वगैरह, टाइटल्स वगैरह, जो भी पेजेस वगैरह आप पोस्ट करो अपने वेबसाइट पर, वो उसे पब्लिश करो फेसबुक पर, ट्विटर पर, प्लगइन्स के थ्रू या बहुत सारे वेज होते हैं आप उनके थ्रू ये जो कर सकते हो। इससे आपकी जो है ना वेब पेज होगा उसको फॉलो करेंगे फिर वहाँ से जो यूज़र्स होंगे वो आएंगे, ठीक है, लाखों की तादाद में फेसबुक और ट्विटर से। ये तब आएंगे अगर आपके मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ लाइक्स हों आपके फैन पेज के ऊपर, और ट्विटर पर तब आएंगे अगर आपके लाखों की तादाद में फॉलोअर्स हों, सही है। तो ये फॉलोअर्स भी फ्री में बन जाते हैं, फेसबुक पेड फॉलोअर्स भी बनते हैं, लेकिन फ्री में बनाने के लिए बहुत सारी ट्रिक्स हैं, आप वो ट्रिक्स भी मैं आपको बता देता हूँ। फेसबुक पर एक ट्रिक्स ये बता दूँ कि आप शेरो शायरी का एक पेज बनाओ, ठीक है, उस पर जाकर फिर वो फॉलो मीन्स लाइक्स गेन करो, लाइक्स कुछ फ़नी क्लिप्स अपलोड करो वगैरह वगैरह, उससे आपको बहुत ज़्यादा लाइक्स मिलेंगे, आपके लाइक्स बढ़ते जाएंगे, फिर वहाँ जाकर आप अपनी वेबसाइट का पेज ऐड करो। जैसे आप अपनी वेबसाइट का पेज ऐड करोगे तो आपके लाइक्स बढ़ते जाएंगे, लेकिन ये टाइम टास्किंग है, लेकिन अफेक्टिव, बहुत अफेक्टिव है ये। बहुत ज़्यादा मशहूर सोशल नेटवर्क्स तो यही हैं, यूट्यूब भी हो गया, यूट्यूब पे जाकर अपनी वीडियोस बनाओ। यूट्यूब पर फॉलोअर्स बनाने के लिए मैं आपको ये बता दूँ कि किस तरह से फॉलोअर्स बनाओगे, आप वहाँ पर वीडियो अपलोड करोगे, ठीक है, वीडियो अपलोड कौन सी करोगे, किसी सॉन्ग की वीडियो अपलोड करोगे, नए सॉन्ग की, ठीक है, उसके पीछे अपनी वेबसाइट के दे दोगे एडवर्टाइजिंग। वैसे तो एडवर्टाइजिंग शुरू में चलती है ना, वो उसकी पेड एडवर्टाइजिंग होती है, लेकिन आप अपने सॉन्ग के पीछे में दे दोगे ना, क्योंकि यूट्यूब के जो सॉन्ग होता है वो लाखों की तादाद, करोड़ों की तादाद में वो सॉन्ग चलने शुरू हो जाते हैं। अगर ऐसा कोई सॉन्ग आप दे देते हो और लाखों करोड़ों की तादाद में चलना शुरू हो जाता है तो इतने लोग आपके एडवर्टाइज को देखेंगे, वो फिर आपकी वेबसाइट पर विजिट करेंगे, सही है, समझ में आ गया। इस तरह से आप ये कीजिएगा सोशल को यूटिलाइज, और कमेंट्स दीजिएगा जिस वेबसाइट पर बहुत ज़्यादा विजिटर्स हों, वो आपको कैसे पता चले, आप जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि SEO कोई कहें उसके थ्रू आपको रैंक पता चलेगी, जिसकी जितनी ज़्यादा रैंक होगी गूगल में, एक से लेकर 10 तक रैंक होती है, जैसा कि ट्विटर की 10 रैंक है, फेसबुक की 9 और गूगल की 9, एडा फोटोशॉप की वेबसाइट है उसकी 10 है, ये वेबसाइट है ना, ये गूगल रैंक दे देता है, जिसकी सबसे ज़्यादा रैंक होगी उस पर सबसे ज़्यादा विजिटर्स होंगे, ओके। तो जिसकी ज़्यादा रैंक हो उस पर जाकर कमेंट्स करो, वहाँ से भी विजिटर्स आ सकते हैं, अपनी नीचे से अपनी वेबसाइट की लिंक दे दो, क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे आ जाएंगे, इस तरह से भी विजिटर्स बढ़ सकते हैं, ठीक है। ये लिस्ट मेरे पास सारी पड़ी हुई है, सोशल नेटवर्क की, फोरम्स की, डू फॉलो बैक लिंक्स वेबसाइट्स की, हाई रैंक वेबसाइट्स की,
ठीक है, ये सारे मैंने बहुत मेहनत करके बनाई थी 2-3 मंथ में। बहुत बड़ी लिस्ट है, हज़ारों की तादाद में वेबसाइट्स की लिंक्स हैं मेरे पास, वो बनी हुई फाइल, लेकिन मेरे पास वो है, मैं जो मुझे ईमेल करेगा मैं उसे सेंड कर दूंगा। ओके, अब आप मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़ ना सर।